नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीपीसीटी के स्कोर कार्ड का वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। देखिएगा मित्रों, यदि आपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है और आपको लगता है कि हमारा स्कोर कार्ड सही है या नहीं, इसकी पहचान तो कर लें हम एक बार, या आपने पहले पूर्व में कभी एग्ज़ाम्स आज से पहले जब भी दिया होगा और आपका स्कोर कार्ड जारी हुआ होगा, तो आप जो है अपने स्कोर कार्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या है, क्या वास्तव में आपका स्कोर कार्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको cpct.mp.gov.in इस वेबसाइट पर आना होगा, जो कुछ इस प्रकार दिखती है। आप सिंपल गूगल में सीपीसीटी सर्च कीजिएगा, आप पहुँच जाओगे यहाँ। इसके बाद में जो है, आप यदि पहले से ही यूजर हो, आपके पास आईडी पासवर्ड है, तो एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आईडी पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन कीजिएगा। तो यहाँ से तो आप बहुत ही आसानी से देख पाओगे कि आपका स्कोर कार्ड क्या है। उसके बाद में हम आपको बता देते हैं कि आपके पास आईडी पासवर्ड कुछ नहीं है तो, और आप अपने स्कोर कार्ड का वेरिफिकेशन करना चाहते हो, आपके पास आपका पंजीकरण क्रमांक होना बहुत ही ज़रूरी है और 10th का रोल नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है, या आपका स्कोर कार्ड जो भी है तो उसमें आप देखिएगा और वहाँ से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिएगा। उसके बाद में 10th का रोल नंबर एंटर कीजिएगा और वेरीफाई बटन पर आप क्लिक करिएगा। आप जैसे ही वेरीफाई बटन पर क्लिक करोगे तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं जो है आप सीपीसीटी की वेबसाइट में, यदि आपका पहले से रजिस्टर है तो आप अंदर चले जाओगे और वहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो है कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड जो है डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस वहाँ पे दो ऑप्शंस दिखने लगेंगे, जो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। कैसे रहेंगे, कुछ इस तरह से आपको जब एंटर करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके और सर्च बटन पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फिर जो है आप स्कोर कार्ड पे क्लिक कर और यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके पुनः से जो है अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्कोर कार्ड को वेरिफिकेशन करने की प्रोसेस भी यही है। और यदि आपके पास में अपना जो है यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप इसे डायरेक्ट जो है लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर एवं 10th का रोल नंबर से भी आप इसे जो है निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आपका सीपीसीटी की वैलिडिटी अभी है या नहीं। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।